दोस्तों पिछले एपिसोड च आपां गल कीती सी इंसान दे शरीर दा इम्यूनो सिस्टम की हुंदा है, मतलब इंसान दा शरीर रोगां नाल किद्दां लड़दा है, रोगां नाल लड़न दी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हुंदी है वो की हुंदी है, वो सब आपां पिछले एपिसोड च डिस्कस कीता सी। अगर तुसां ने वो एपिसोड ना सुनिया होवे तो वो एपिसोड जरूर सुन लो। अज दे एपिसोड च आपां गल करांगे दवाई किद्दां काम करदी आ, किद्दां बणदी आ, दवाई च की हुंदा है और दवाई किहड़े किहड़े राहां तों हुंदी होई ग्राहक तक पहुँचती आ, मतलब दवाई किद्दां बणदी आ, इहदी पूरी जानकारी आपां इस एपीसोड च लवांगे, जानांगे और गल करांगे। तो सब तों पहलों गल करदे आ कि दवाई की हुंदी आ। दवाई दरअसल वो चीज़ आ जो किसी भी रोग नूं या रोगी नूं सही करन लई कम चांदी आ। दवाई दा उपयोग किसी भी बंदे नूं किसी भी रोगी काया नूं ठीक करन लई कीता जांदा है। उदां दवाई दे कई होर बथेरे उपयोग भी आ, जिद्दां कई दवाइयां किसी भी बैक्टीरिया या वायरस की टेस्टिंग दे विच भी उपयोग कीतियां जांदियां है, जांच परख लई भी उपयोग कीतियां जांदियां है। पर अज आपां जो गल करन वाले हाँ, अज आपां उन्हां दवाइयां दी गल करन वाले हाँ जो रोगां दे इलाजां लई या रोग ना होण उहदे वास्ते वरतियां जांदियां है। ते दरअसल दो तीन प्रकार दे फॉर्मूलेशन मैन हुंदे ने, जिद्दां कि सब तो पहलों गल करदे हाँ आपां टैबलेट गोली दी। ते टैबलेट गोली इह सब कठोर या ठोस या चीज़ हुंदी आ, और आ गोली तुसां सारिआं वेखी होणी आ जो गोलियां आती है, जिस तरह कि बुखार के वास्ते पैरासीटामोल दी गोलियां आदियां है, इदा करके कि कई गोलियां होंदिया है जो कि आप खाते हैं अगर आप कुछ दुख तकलीफ हो। सब गोलियां इंपोर्टेंट दो चीज़ा होंदिया है, एक होंगी एक्टिव ड्रग, मतलब वो चीज़ जो कि वो रोग न खत्म करती है, और दूसरी होंगी वो चीज़ जो कि वो ड्रग दूँ संभाल के रख दी है, और वो ड्रग दी एक्टिविटी बढ़ाती है, मतलब वो ड्रग का काम करन च मदद करती है। सो जो ये एक्टिव चीज़ है वो सब तो मेन चीज़ होंगी है, उन्होंने आखीद आप API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रीडियंट। और दूजा जड़ा फॉर्मूलेशन है वो होंगे लिक्विड सीरप, जिद्दां कि छोटे छोटे बच्चे जो होंदे आ उह दवा गोली तो खा नहीं पाते, तो उन्होंने वास्ते लिक्विड सिरप आते हैं, मतलब चिमचे के नाल आपां उन्हां नूं सिरप पिया देईदा है। सिरप दे विच भी उही गल है, उहदे विच भी जो मेन चीज़ आ उह API आ, उहनूं आपां एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रीडियंट आखीदा है। इहदे अलावा कुछ स्टराइल फॉर्मूलेशन भी आते हैं जिहड़े कि बहुत ज़्यादा कारगर होंगे, पर वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर रोगों से दिते जाते हैं, जिदे आते अपने इंजैक्शनस है ना। तो इंजैक्शन दे भी गल उ कि एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रीडियंट हों, बाकी सपोर्टिंग इनग्रीडियंट होंगे। और इंजैक्शन इंसान को लाया जाता उदों जो वह बीमार हो चुका हो। तो दूजी चीज़ होंगी वैक्सीन, वैक्सीन वो इंसान लाया जाता है कि उन्हूं वो रोग ना हो। जिद्दां कि हुण कोरोना का काल चलन दिया है, तो कोरोना काल दे विच गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल वाले आपां नूं कोरोना दे वैक्सीन लांदे आ है ना। तो आ सारे वैक्सीना का काम आ कि आपां नूं कोरोना होवे ना, मतलब कोरोना होने तो पहलों आ वैक्सीन लाए जाते हैं ताकि कोरोना वर्गिया बीमारियां ना आने। तो निक्के निक्के न्याणे रहिंदे आ उन्हां नूं कई वैक्सीन लगदे आ, वो सारे वैक्सीन उन्होंने त लाए जाते हैं ताकि उन्होंने बच्चों उन्होंने आने वाले भविष्य के कोई भी बीमारी ना हो, खासकर वह बीमारियां तो ना हो जिन्हों के वैक्सीन लग चुके हैं, इसलिए वह वैक्सीन लाए जाते हैं। हुण गल करते हैं कि आप दवाई बनती जाए, उदा तो दवाई बनने की बहुत ही कठिन और जटिल प्रोसैस है, पर मैं मोटे तौर पर तुम्हें दसा तो दवाई बनने लिए सब तो पहलों की आ रॉ मटेरियल मंगाया जाता है। यह रॉ मटेरियल API के प्लांट के प्रोसैस किया जाता है, और इस रॉ मटेरियल तो एक्टिव ड्रग बनाया जाता है जिन्होंने आप आखते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रीडियंट।
ਇਹ ਏ ਪੀ ਆਈ ਫਿਰ ਫੋਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੋਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਏ ਪੀ ਆਈ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਇਨਗਰੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੀਰਪ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਇਲ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਰਪ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਗਰ ਟੈਬਲੇਟ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਟੈਬਲੇਟਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਟੈਬਲੇਟਸ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ, ਕੋਟਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟੈਬਲੇਟ ਬਣਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜੂਅਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਪੈਕਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਕੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ 'ਚ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ ਪਰਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗਵਰਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਆ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸਰਦਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਡਸਕੋ ਆ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ USFDA ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਦਵਾਈ ਚੰਗੀ ਬਣੇ ਔਰ ਕਾਰਗਰ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ।